अब वो अभी फजर की नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो अबू ने फजर की नमाज़ अदा भी कर लिया, तो वो अभी दुआ मांग रहे हैं, तो अबू दुआ मांग ले, तो हम सब भी फजर की नमाज़ अदा करते हैं, अबू ने भी दुआ भी मांग लिया। का व्यू देखेंगे कितना प्यारा ग्राउंड बना हुआ है, ये देखिए ये डेवो करता है माशाल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, साजिद भाई आ गए हैं, मैं मुझे 9 बजे का बोला था लेकिन बस खराब हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की प्यारी सुबह का आगाज़ हो गया है, अल्लाह करे आज का दिन आपका अच्छा और सही समय गुजरे, और जो डेली की रूटीन है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह। सुबह का मौसम देखें कितना अच्छा और कितना प्यारा है, हर तरफ खामोशी है, हर कोई अपने घरों में है, देखें पूरे इलाके में खामोशी है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, देखें पूरी बस्ती से कहीं से आवाज़ नहीं आ रही, हर कोई अपने घरों में है। ये देखें शबनम से पूरी घास भरी हुई है, ये देखें, और इधर देखें ये मक्खियों के जाले जो है, मक्खियों के घर वो भी शबनम से भरे हुए हैं, ये देखें किस तरह ये मक्खी के घर है, ये देखें सारे जफर जाला है और सेंटर में इसका ये सुराख है, यहाँ मक्खी रहती है, और ऊपर ऊपर सारी शबनम, ये देखें सारी शबनम है, और ये देखें ये शबनम शबनम पूरी शबनम से घास भरी हुई है, और ये देखें ये साफ हो गई, कितना मज़ा आता है शबनम को जब हाथ लगाओ और इसके अंदर चलो, बहुत ही मज़ा आता है। और सुबह की चाय हमारी तैयार हो रही है और अभी उबलने लगने वाला है, और ये देखें और सुबह सुबह मेरा नाश्ता लग चुका है चाय और केक के साथ, तो आज हम चाय और केक के साथ नाश्ता करेंगे। मुजम्मिल सुहेल बैठ गए हैं बाइक पे, अब मैं इनको छोड़ता स्कूल, अनिश भाई पीछे बैठ जाएंगे, तो इनको स्कूल छोड़ के आते हैं फिर और काम करते हैं, चलें सुहेल मुजम्मिल जी। यहाँ पे आके मेरा बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और अनिश भाई साथ खड़ी है, तो शुक्र यहीं पे ख़त्म हुआ है, तो भाई मैं यहाँ से फ्यूल भरवाता हूँ। और ये देखिए मुर्गियाँ देखें कितनी प्यारी मुर्गियाँ, अभी मैं जा रहा हूँ अहमद पहुँचर के अपने सिटी में, वहाँ जाके साजिद भाई को भी पिक करना है, क्योंकि साजिद भाई आज पहुँच गए हैं अपने शहर में, कराची से आ गए हैं, तो मैं उनको आज पिक करता हूँ अड्डे से, और भी जो काम है वो आपको दिखाऊंगा और आपके साथ शेयर भी करूंगा इंशाल्लाह। और मैं पहुंच गया हूँ एम्पोर शकिया डेवो के अड्डे पे, अब यहीं पे आएगी कोच, तो साजिद भाई यहीं पे आके उतरेंगे, यही है डेवो का अड्डा एम्पोर शकिया का, चला डेवो का अड्डा बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा है, देखिए खूबसूरत लॉन भी बने हुए हैं, और साथ में खाने की चीज़ें और ये बाकी सब बच्चों के लिए खेलने की जगह हैं, झूले भी हैं, स्लाइड भी हैं, और फास्ट फूड वगैरह हर चीज़ यहाँ से मिलती है, ये देखें का व्यू देखें ये कितना प्यारा ग्राउंड बना हुआ है, ये देखें ये डेवो का अड्डा है माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल, ये देखें बहुत ही खूबसूरत सीनरी है, और आप आपको मैं दिखा ये पौधा देखें कैसा खूबसूरत है ये पौधा, मोर भी है, ये भी अड्डे के ऊपर है, मोर भी है, ये देखें कितनी, यह एक नर है और एक मादा है, ये बहुत ही खूबसूरत मोर है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ ये दूसरी नस्ल के मोर हैं, ये देखें, और ये एक ये बैठा हुआ है और दो वो बैठे हुए हैं, यहाँ पे हर किस्म की फाख्ता है, सफ़ेद भी हैं और रंग बिरंगी सब फाख्ता है, ये देखें ये देखें ये काफ़ी बहुत अच्छा बनाया है इन लोगों ने अड्डा, और इधर कबूतर भी, ये देखें, और ये तोते कितने प्यारे हैं, ये देखें बहुत ही प्यारे तोते भी हैं और साथ में कबूतर भी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कबूतर भी यहाँ से सही नज़र आएंगे, ये देखें ज़बरदस्त बहुत ही खूबसूरत हर किस्म के कबूतर हैं यहाँ पे। शुक्र इलाका साजिद भाई आ गए हैं, मैं मुझे 9 बजे का बोला था लेकिन बस ख़राब हो गई थी, इस वजह से रुक गए थे, अब तकरीबन 1 बजने वाला है, तो ये आप पहुंच गए हैं शुक्र है, अब मैं इनको यहाँ से पिक करता हूँ, आप चलते हैं घर, यहाँ हम दोपहर का लंच कर रहे हैं एम ए बशरकिया में, क्योंकि साहिबा को देर हो गई थी, तो घर में
जाने के लिए काफ़ी देर है, तो थोड़ा सा यहाँ पे काम भी है वो करने हैं, और या अभी लंच कर रहे हैं दोपहर का। साजिद भी साथ बैठे हुए हैं और मैं भी लंच शुरू करता हूँ। घर के लिए सब्ज़ी ले रहा हूँ, आलू भी और गोभी वगैरह, बाकी हर चीज़ लेता हूँ। तो अभी मैं खड़ा हुआ हूँ थोड़ा डेबे यहाँ पे, मैंने अभी सब्ज़ी भी ख़रीद लिया है और बाकी जो चलते हैं घर। साजिद भाई थोड़ा सा काम है वो कर रहे हैं, तो अभी हम घर चलते हैं। अबू जो है अभी इस दरख्त की टहनियाँ छोटी छोटी काट रहे हैं, क्योंकि जो ट्रैक्टर आएगा इधर हल चलाने के लिए तो वो इसके नीचे से नहीं गुजर पाएगा, तो इसलिए अब वो भी छोटी छोटी जो टहनियाँ वो काट रहे हैं जो नीचे आ रही हैं। और तो अभी अबू इस ट्रैक्टर के चलने की जगह बना रहे हैं। ये देखें, ये ट्रैक्टर भी आया हुआ है दूसरों की ज़मीनों में, तो अभी अबू ये काट लें तो फिर हमारी ज़मीन में आएगा। अब वो अभी ट्रैक्टर के नीचे से गुजरने की जगह बना रहे हैं। ये देखें, अबू ने ये अभी एक टहनी काट ली है, तो अभी दूसरे काटने में लग गए हैं। ये देखें, तो अभी एक टहनी तो काट चुके हैं और दूसरी भी काट गई है। ये देखें, तो अभी उधर से भी काटेंगे ट्रैक्टर के नीचे से गुजरने की जगह। अबू ने जो टहनियाँ काटी थी वो अभी उठा के एक एक करके बकरियों को डाल रहे हैं। ये देखें, तो अभी बकरियों को ये टहनियाँ डाल रहे हैं जो काट के आए थे। और ये देखिए, हमारे हमसायों ने लकड़ियाँ मंगवाई हैं, तो अभी ये गधेरे पे लकड़ियाँ उठा के आए। देखिए कितनी सी लकड़ियाँ, तो अबू का भी कुछ काम है, अबू काम कर रहे हैं और यहाँ पे ये लकड़ियाँ अपनी कर रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं। और ये मुझे गाय मारने के लिए आ गई, देखें मारती है। और अबू ने अभी गाय के बच्चे को पकड़ा हुआ है, और कुछ काम भी अबू ने करना है, इसलिए अबू ने कस्सी भी उठाई हुई है। ये देखें, वो अभी जो हमारी ज़मीन है उसकी जो साइटें हैं वो बना रहे हैं, उनकी साइटों पर। ये देखें, घास बहुत उग गया, तो अभी अबू ने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है और यहाँ तक बना रहे हैं। ये देखें, घास जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अबू अभी इसकी साइटें बना रहे हैं और ये घास देखें कितना ज़्यादा हो गया। आगे भी उधर तक बनाएंगे, आगे भी वो है बनाएंगे घास, क्योंकि ज़्यादा हो चुका है। ये जगह देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा घास है, सारा का सारा इस जगह पे घास ही घास है। और ये देखिए, अबू ने यहाँ से साफ कर लिया घास, सारा का सारा काट लिया। ये देखें, कस्सी के साथ काट रहे हैं, क्योंकि जंगली घास है, दात्री जो है हमारी उससे नहीं काट सकता, तो इसलिए कस्सी के साथ काट रहे हैं। ये देखिए, ये वाली जगह और ये वाली जगह देखें कितना फ़र्क है, तो अब ये सारा बना रहे हैं, सारी की सारी जगह काट रहे हैं। इधर जो है जंगली घास थी, तो इसलिए चला जो चलता था उसके पाँव पे लगती थी और उसका पाँव काट देता था, तो अभी जंगली घास है वो काट चुकी है, तो अभी जो हम चलेंगे या कोई और चलेगा तो उनके पाँव भी नहीं कटेंगे और आसानी से ही चल पाएंगे। ये देखिए, घास जो है जंगली ये कटी हुई है, और ना किसी के पाँव कटेंगे और ना कुछ होगा, और ना ही सांप वगैरह इस घास में आएंगे, नहीं तो अगर ये घास ठहरा रहता तो इधर सांप भी आ सकते थे, तो सांप का भी खतरा होता है। अभी मैं जा रहा हूँ दादा के साथ इनका बिल भरवाने के लिए, तो अभी शाम हो गया तो ये जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसलिए मैं इनको बाइक पे लेके जा रहा हूँ इनका बिल भरवाने के लिए। तो आ जाए, बैठे चलते हैं अभी हम। तो अभी दादा जा रहे हैं पता करने के लिए दुकान खुली है कि नहीं, तो मैं अभी यहीं बता रहा हूँ। और मैं भी अस्पताल पहुँच गया हूँ और ये दादा जा रहे हैं आगे, जहाँ पे बिल भरते हैं तो वो दुकान अभी बंद है, तो अभी दादा वो वापस आ गए हैं। अभी हम बैठे हुए यहाँ पे इंतजार में कि वो कब आएंगे, तो अभी हम बिल भर के फिर घर जाएंगे। अभी ये दादा भी बैठे हुए हैं, मैं भी बाइक पे बैठा हुआ हूँ। ये देखें, तो मैं भी अभी बैठा हूँ, दादा भी बैठे हुए हैं यहाँ। शुक्र है अभी ये आ गए हैं, तो अभी दादा गए हुए अंदर जा रहे हैं बिल भरने के लिए, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, तो ये बिल भर के आ जाए तो फिर हम चलते हैं घर। रात का मेरा डिनर हो गया तैयार, आलू के सालन और साथ में रोटी तंदूर की, तो मैं करता हूँ रात का डिनर आलू के सालन के साथ। तो मिलाद का महीना है, तो मिलाद के महीने में जो है ना नबी की जितनी भी शान की जाए बयान की जाए उतनी कम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो इसलिए हम मिलाद का महीना है, तो मुजम्मिल से एक नात सुनते हैं। मुजम्मिल, नात सुनाओगे जी? तो सुनो। क्यों चाँद में खोए हो उलझे हो सितारों में, क्यों चाँद में खोए हो उलझे हो सितारों में, मेरे आका को ढूंढो कुरान।
आसमान के पारों में जबरील अमी बोले, सिदरा के मकी बोले, तुझसा नसी देखा लाखों क्या करोड़ों में, क्यों चांद में खाए हो उलझे हो सितारों में, मेरे आका को ढूंढो कुरान के पारों में। साजिद भाई को मैं अबूबशर की से लेके आया उसके घर अपने, और यहाँ के उसने घर का थोड़ा सा मैंने क्या चेक किया तो सब शुक्र ठीक था, झाड़ू वगैरह सब कुछ लगी हुई थी, घर साफ था। तो फिर वो चला गया है कौसर भाभी के घर अपने, जहाँ वो रहती अपने महके में, वहाँ चला गया उसको लेने के लिए। तो फिर वो जब आएगा तो फिर उससे मज़ीद जो बातचीत होगी वो करेंगे। और उसकी कोच भी बहुत लेट हो गई थी क्योंकि रास्ते में ख़राब हो गई थी, मैं 4 घंटे तकरीबन वहीं अड्डे पे बैठा रहा, तो थक भी बहुत गया था क्योंकि 4-5 घंटे बंदा एक जगह पे बैठा रहे तो वो भी बहुत मसला होता है। तो कोई बात नहीं, उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।